हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे किसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आ चुकी है, किसकी प्यून के पदों की जो वैकेंसी आई हुई थी। कहाँ? ठीक है, कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज भोपाल में। ठीक है, गांधी मेडिकल जो भोपाल है वहाँ पर प्यून के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके उसकी लिस्ट आ गई है। और लिस्ट किन कैंडिडेट की आई है? जिनके दस्तावेजों का सत्यापन होना है। ठीक है, और सत्यापन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सत्यापन हेतु दिनांक 2 दिसंबर को उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी आवेदकों की सूची, और ये डाउनलोड आपको दिख रहा है यहाँ पर। आपको जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये रही आपकी वो, जहाँ पर मैं डाउनलोड करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने में डाउनलोड हो जाएगा और ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, कार्यालय अधिष्ठता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय सुशासी समिति भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर प्यून के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी और उसके लिए जो कैंडिडेट्स जो कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे उन कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है कि किन कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है, कब? 2 दिसंबर 2012 को। ठीक है, ये इसीलिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक F यहाँ पर दिया है 9/4/2021 के निर्देश के अनुसार संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त अनुमोदित अनुसूची पत्र क्रमांक दिनांक 22 मई 2021 के परिपालन में चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के स्थापना में रिक्त गैर शैक्षणिक भृत्य मतलब प्यून के पदों पर भरे जाने हेतु भर्ती सूचना क्रमांक 7/5/7 मई 2021 एवं सूचना क्रमांक यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। ठीक है, 18 जून 2021 के प्रस्ताव पर एमपी ऑनलाइन के द्वारा सत्यापन और स्क्रूटनी हेतु गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के सभागृह में सुबह के 10:30 मतलब 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक आमंत्रित किए गए थे और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं हम लिस्ट की, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2/12/2021, ठीक है, यह दिख रहा है आपको को। ठीक है, आपका 2/12/2021 को इंटरव्यू है। ठीक, ये मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ठीक है, आप ही चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ठीक है, और भृत्य की पोस्ट के लिए आई थी ये। और बात करेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, संविदा अन्य पिछड़ा वर्ग और संविदा आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, अभ्यर्थी की प्रमेय सूची संलग्न की गई है जो कि मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ, और ये रही आपकी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये नाम दिए गए हैं यहाँ पर इस प्रकार से। प्यून के 4 पद हेतु मूल दस्तावेज सत्यापन बाबत पात्र अनुसूचित जाति संवर्ग के उम्मीदवारों की लिस्ट इस प्रकार से है। आप लिस्ट को देख लीजिए, और अगर से लिस्ट अच्छे से देखना है आपको तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाकर के आप एग्जाम पीरियड सर्च करेंगे, आपको एक चैनल दिखाई देगा, उसको ज्वाइन करना है आपको। वहाँ पर इसकी इस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी और इसकी ये जो PDF आप देख पा रहे हैं ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं प्यून के 10 पद के लिए। ठीक है, प्यून के 10 पद हेतु मूल दस्तावेज सत्यापन पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की सूची। ठीक है, और ये रही उन कैंडिडेट की लिस्ट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, और आपको बता दिया जाए देखो। ठीक है, और ये प्यून के 2 पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के उम्मीदवारों की लिस्ट है। ठीक है, फिर प्यून के 1 पद के लिए महेंद्र कुमार तिवारी जी का है। ठीक है, एक ही है तो मतलब इनका तो सिलेक्शन डन है। ठीक है, और ये फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो अब इसको फिल करना है। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर आपका नाम रहेगा। ठीक है, पिता या पति का नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, आपकी ऑनलाइन जमा जो आपने शुल्क जमा किया उसका विवरण रहेगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगी आपकी, आप SC ST OBC EWS क्या है वो रहेगा आपका, और संविदा श्रेणी से हैं तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और प्रणीता सूची में श्रेणी और सरल क्रमांक। ठीक है, ये यहाँ देखो, ये देखना, ये सरल क्रमांक ये आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इसको आपको वहाँ लिखना है। ठीक है, वहाँ फिल करना है। और क्या क्या ले जाना है आपको, तो बिल्कुल ये आपको वहाँ पर ले जाना है परीक्षा प्रवेश पत्र, अगर से हाँ है तो यहाँ पर हाँ लिख राइट करना है, और नहीं है तो यहाँ पर नहीं कर देना है। ठीक है, कट कर देना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है ना आपको, है ना। और परीक्षा परिणाम मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो है या नहीं है उसकी छायाप्रति, अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से मान्यता बोर्ड 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची है या नहीं है, मूल निवासी चाहिए आपके पास में। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको डिजिटल वाली। ठीक है, और विधवा हो तो उनके लिए नोटरी द्वारा अभी प्रमाणित शपथ पत्र चाहिए आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप।
ठीक। और बात करें हम दिनांक 26/1/2000 के बाद अधिक दो से अधिक संतान नहीं होने का अभिप्रमाणित शपथ पत्र चाहिए आपको, ये देख पा रहे हैं 7वें नंबर पर, ठीक है। और शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवार है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, और एक आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, दो पेन कार्ड की कॉपी चाहिए, नहीं माफ चाहूँगा, आधार कार्ड लगेगा आपको, पेन कार्ड लगेगा ओरिजिनल वाला, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, या फिर जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो कि आपके 10th के मार्कशीट में होता है, ठीक है। और इस प्रकार से, और यहाँ पे आपकी डेट रहेगी, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर अभ्यर्थी की हस्ताक्षर रहेगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी साइन रहेगी, आपका नाम रहेगा और उसके नीचे में आपकी साइन रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विभिन्न प्रकार की अपडेट को आप पाते रहेंगे, ठीक है।